हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सूरी, माय टीचर फ्रॉम सीरम एकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टुडेस टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन करना क्या है, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मींस ये एज वाले क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, ब्रेशन फादर इज 26 ईयर यंगर, मतलब जो ब्रेशन के जो फादर हैं वो क्या है 26 ईयर यंगर है। किससे यंगर है, वो अपने ब्रचन ग्रैंडफादर मींस अपने फादर से, मतलब जो ब्रचन के जो फादर है ब्रचन फादर, वो अपने फादर से मींस ब्रचन के ग्रैंडफादर से वो 26 ईयर यंगर है, मींस 26 ईयर छोटे हैं। मतलब ब्रचन के जो ग्रैंडफादर होंगे वो अपने ब्रचन फादर से एक्स प्लस मतलब 26 ईयर ज़्यादा है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेचन फादर वो क्या है अपने ब्रेचन ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, 26 ईयर यंगर हैं। तो ब्रेचन के जो ग्रैंडफादर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 26, मतलब वो ब्रेचन के फादर से 26 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए और भी क्या लिया, एंड 29 ईयर ओल्डर देन द ब्रचन, और ब्रचन से वो कितने ओल्ड हैं, 29 ईयर। कौन ओल्ड होगा, ब्रचन के फादर, मतलब यहाँ पे दोनों केस में ब्रचन के फादर की बात हो रही है। मींस एक बार बताया जा रहा है जो ब्रचन के फादर हैं वो ब्रचन के ग्रैंडफादर से 29 ईयर यंगर हैं। देन सेकेंड टाइम में ये बताया जा रहा है कि जो 29 ईयर ओल्डर देन द ब्रचन, और ब्रचन से 29 ईयर ओल्डर है, मतलब इस केस में दोनों जो बात हो रही है वो ब्रचन के ग्रैंड ब्रचन के फादर की बात हो रही है। मींस हमको ब्रचन के फादर की एज यहाँ पे नहीं पता है, तभी यहाँ पे दोनों केस में पूछा जा रहा है कि ब्रचन के ग्रैंड फादर को कितने यंगर है, 26 ईयर, और ब्रचन से कितने ओल्ड है, 29 ईयर ओल्डर है, मतलब ब्रचन के फादर की एज हमें नहीं पता है। और देखिए उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, मतलब आपको थ्री यहाँ पे मतलब थ्री का मतलब ये नहीं कि हमको थ्री नंबर लेना है, यहाँ पे थ्री का मतलब होगा जो थ्री एज दी हुई है। थ्री एज कौन कौन से दी है, देखिए ब्रचन ब्रचन फादर एंड ब्रचन ग्रैंड फादर की जो एज दी है वो टोटल थ्री, सम ऑफ द एज ऑफ थ्री और मतलब थ्री एज का जो सम, ब्रचन ब्रचन के फादर ब्रचन ग्रैंड फादर उनको तीनों एज का सम जो है 135 ईयर्स आ रहा है। तो वॉट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो ईच की एज क्या है, मतलब जितने भी ब्रचन की एज क्या है, ब्रचन के फादर की एज क्या है, ब्रचन की ग्रैंड फादर की एज क्या है। तो अभी हमने आपको मैं एक्सप्लेन किया यहाँ पे इस केस में किसकी बात हो रही है, ब्रचन के फादर की एज बताई जा रही है कि ब्रचन के फादर की एज ब्रचन के ग्रैंड फादर से इतने यंगर हैं और इतने ओल्डर हैं, तो हमें यहाँ पर ब्रचन के फादर की एज नहीं पता है। तो हम देखिए इसको राइट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लेट ब्रचन फादर एज बी एक्स ईयर, मतलब हमने ब्रचन के फादर की एज क्या ले लिया, एक्स ईयर ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता था जब ब्रचन के फादर की एज एक्स ईयर है तो ब्रचन की ग्रैंड फादर की एज क्या होगी, वो कितने यंग, मतलब ब्रचन के जो ग्रैंड फादर हैं वो ब्रचन के फादर से तो ग्रेटेस्ट हैं, ब्रचन के फादर क्या है 29 ईयर यंगर है, यंगर है मतलब छोटे हैं, मतलब ब्रचन के जो ग्रैंड फादर होंगे वो ब्रचन के फादर से तो बड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में कौन बड़ा होगा, ब्रचन के फादर की ब्रचन के ग्रैंड फादर, ब्रचन के ग्रैंड फादर ग्रेटेस्ट होंगे, बड़े होंगे वो। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, देन ब्रचन ग्रैंड फादर grandfather एज बी एक्स प्लस 26 ईयर, मतलब जो ब्रचन के जो ग्रैंड फादर होंगे वो ब्रचन फादर से तो 26 ईयर बड़े होंगे, नॉर्मल है, कॉमन सेंस वाली ये चीज़ है।
यहाँ पे हम जब सॉल्व करें, क्योंकि एज वाला क्या है वो अपनी एज से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोग के घर में जो होंगे पेरेंट्स होंगे वो भी आप लोग से क्या होंगे बड़े होंगे, तो वहाँ पे आप प्लस लगाएंगे। अब देखिए इस केस में क्या है, 29 ईयर ओल्डर देन द ब्रचन, और ब्रचन क्या है, ब्रचन के फादर, ब्रचन से कितने ओल्ड हैं, कितने ज़्यादा बड़े हैं, 29 ईयर। तो ब्रचन इस केस में क्या होगा बताइए, ब्रचन क्या होगा, ब्रचन तो छोटा होगा, क्योंकि ब्रचन क्या है यहाँ पे, क्योंकि ब्रचन के जब फादर ब्रचन से इतने ओल्ड हैं, 29 ईयर ओल्ड हैं, तो ब्रचन तो स्मॉलेस्ट, मतलब ब्रचन क्या हुआ, शॉर्ट हो गया वहाँ पे, कम एज हो गई उसकी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड ब्रचन इज बी एच माइनस 29 ईयर, मतलब ब्रचन क्या होगा 29 ईयर छोटा होगा अपने फादर से। यस, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 100, मतलब थ्री एज का सम, जितने भी एज है 1 2 3, ये तीनों एज का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 100। तो राइट कर देते हैं यहाँ पे, द सम ऑफ द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। यहाँ पे राइट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर कर देते हैं माइनस थ्री को, मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, क्या आ जाएगा, सी थ्री एक्स इक्वल 135 माइनस को प्लस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, 3x इक्वल 135 प्लस 3 इक्वल क्या होगा 138, मल्टीप्लाई तो आप उसको डिवाइड में ला सकते हैं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 138 बाय 3, कट कर दीजिए, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, मींस यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल 46, मींस यहां पे x की वैल्यू का मतलब ये है कि ब्रचन के फादर की एज हमने x दिया था, मीन्स जो ब्रचन की फादर एज आ रही है वो क्या आ रही है 46। मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, तो x इक्वल क्या आ रहा है 46, ये यहाँ पे मैं राइट कर दिया। अब देखिए मैं राइट क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑल की एज बनानी है, राइट कर देते हैं, हेंस द ब्रचन ब्रचन फादर फादर क्या हो जाएगा, देखिए ब्रचन की जो फादर है, ब्रचन के जो फादर की एज है वो हमने क्या लिया था, एक्स प्लस 26, तो राइट कर देंगे, ब्रचन फादर क्या एज लिया है, ब्रचन के जो फादर की एज है हमने क्या लिया है, एक्स प्लस 26 ईयर, मतलब ब्रचन के जो फादर की एज है वो क्या है, एक्स प्लस 26 है, तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या सॉल्व की है, 46 प्लस 26 इक्वल क्या हो जाएगा,
6 + 2 2 और ये 72 ईयर। तो ब्रचन के फादर की एज क्या हो जाएगी 72 ईयर। देन ब्रचन ग्रैंडफादर, ब्रचन ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगी यहाँ पे, हमने क्या लिया था, देखिए ब्रचन की जो ग्रैंडफादर की एज थी, सॉरी यहाँ पे वन मिस्टेक हो गया, ब्रचन की जो फादर की एज है वो हमने एफ लिया था, ये यहाँ पे x+26 नहीं आएगा। ब्रचन की फादर की एज हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 42 आ रही है, तो 42 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे, 42 नहीं 46 है, 46 ईयर। और ब्रचन के ग्रैंड फादर की एज हमने लिया था x+26, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+26 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या सॉल्व किया, 46 तो 46 आएगा, 46 + 26 क्या हो जाएगा 72 ईयर, मीन्स ब्रचन की ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी 72 ईयर हो जाएगी। सेम ऐसे हम क्या करेंगे एंड ब्रचन की एज फाइंड कर लेंगे, ब्रचन एज क्या हो जाएगी यहाँ पे, ब्रचन एज इक्वल एक्स माइनस 29 है, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया 46 माइनस 29 तो इक्वल क्या हो जाएगा 17, 16 में आप 9 को सेपरेट करेंगे आएगा 7 और ये 3 और 2 सेपरेट करेंगे तो 1, मीन 17 ईयर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रचन एज, ब्रचन फादर एज एंड ब्रचन ग्रैंड फादर एज, ऑल एज यहाँ पे हमने क्या किया है सॉल्व कर लिया। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है, इससे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको क्या विषय क्लियर पता भी होना चाहिए और कैसे यहाँ पे हमको सॉल्व भी करना है। वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको इसको जितना भी आप इसको सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया ब्रचन फादर एज, ब्रचन ग्रैंड फादर और ब्रचन एज क्या है 17। तो ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।